जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर उगेटेक में। तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल आप DSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पे देखे एक वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे नया नोटिस पब्लिश हो गया है। तो देखे दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानने वाले, ताकि काफ़ी स्टूडेंट थे जो मुझे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि सर इसमें जो नया नोटिस आया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर मैं आया दोस्तों। तो डिटेल में जानेंगे पूरा नोटिफिकेशन। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आप प्रेस करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अभी मैं ऑफिशियल सर पर देखे, जैसे मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ तो आपको देखे जो लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे देखे आपको दिख जाएगा वैकेंसी नोटिस नंबर यहाँ पे दिया है, देखे 75/ देखे यहाँ पे 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया गया है। फिर देखे ये जो वैकेंसी है पूर्वी पर ये देखे आपके डिपुटेशन बेसिस पर है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसका जो आपका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे डाउनलोड करके ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी मैं इसका ऑफिशियल नोटिस जो यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो वो नोटिस है यहाँ पे देखे 28 तारीख को यहाँ पे देखे उनका बन गया था, ठीक है। तो देखे अभी देखे यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे आता हूँ तो आपको देखे पोस्ट भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो देखे ये जो पोस्ट है आपके आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन DFCCIL है, ठीक है। फिर टाइटल और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो ये देखिए ये जो है आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ये कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की, इसमें तो इसमें देखिए यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसलिए मैं आपको जो ये वैकेंसी का जो न्यू नोटिफिकेशन है इसलिए आपको वीडियो बना के नहीं बताया था दोस्तों, क्योंकि देखिए आपके कमेंट के रिगार्डिंग ही मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे और बार बार देखे व्हाट्सअप भी कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो भी कैंडिडेट अगर देख रहे होंगे, अगर वो इलिजिबल है तो उसके बारे में देखे मैं आपको पूरा डिटेल में भी ये बताऊँगा। अगर इलिजिबल है तो आप लोग जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो लोकेशन है वो जो आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में मिल जाएगा। फिर इसका ड्यूरेशन देखिए आप 3 ईयर एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर, ठीक है। 3 to 5 ईयर आपका रहने वाला है। फिर देखिए सब्जेक्ट टू एक्सप्लेन बाय DPE फ्रॉम द रूल ऑफ इमीडिएट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर देखिए उसका जो सर्विस है आपका ऑफिसर फिर सुपरवाइजर इंस्पेक्टर इन CPRO ऑफिस इन इंडियन रेलवे, ठीक है, या फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने वाला है। फिर देखिए उसमें टर्म और अपॉइंटमेंट देखा, ये सिर्फ डिप्यूटेशन बेसिस पर है। टर्म और एज की बात करें देते हैं नॉट मोर देन 55 ईयर, ठीक है। 50 ईयर इससे ज़्यादा आपके रहने नहीं चाहिए। फिर देखिए आप देख लीजिएगा जो भी आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह इसमें वो दिया है, ठीक है। ये जो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर देखिए सर अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें देखिए आपका मिनिमम 3 ईयर के एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। कहाँ पे तो देखिए आपको सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और या फिर देखिए आपको मिनिमम 5 ईयर का चाहिए आपका एक्सपीरियंस एज पब्लिक इंस्पेक्टर के रूप में, ठीक है। तो ये कोई एक्सपीरियंस की बात। फिर देखिए इसमें आपको जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप बताए, तो इसमें देखिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड हायर अकेडमिक प्रोफाइल इन एनी डिसिप्लिन विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो देखे ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। फिर इसका क्लोजिंग डेट देखे यानी 28 से अगर मान के चले तो अभी इसमें और 15 डेज अगर ऐड कर दे तो देखे इस महीने के मान के चलिए 13 या फिर 12 तारीख का जो आपको ये फॉर्म जो है भेज देना है, ठीक है। तो देखे ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, ये देखिए आप ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। इसका जो है ऑफलाइन फॉर्म भी आप उसका प्रिंटआउट A4 साइज़ पे निकाल के जो पूरा डिटेल फिर भर के जो आपको भेज देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी लिखते चलना, अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना। और दोस्तों चैनल पर नए तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।